वेलकम चिरोई टीनू किचन में आपका स्वागत है। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल राइस बिरयानी, जो जिसके इंग्रेडिएंट्स आप सबके सामने हैं। हमें बिरयानी बनाने के लिए चाहिए राइस, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उससे बनाइए। मैं बासमती से बना रही हूँ। और वेजिटेबल्स में हमें चाहिए सोयाबीन, इसे मैंने बॉयल कर लिया है, आलू जिसे मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है, गोभी वो मैंने बॉइलिंग वाटर में 5 मिनट के लिए बॉईल किया, उसके बाद इसे हल्का सा फ्राई किया है। फ्रोज़न मटर है मेरे पास, मैं ये मटर यूज़ कर रही हूँ। अनियन चॉप्ड, थोड़ा सा हमें चाहिए जिंजर गार्लिक एंड चिली का पेस्ट जो कि मैंने फ्रेशली बनाया है, बीन्स, कैरेट, पनीर, हमें थोड़े से किशमिश और काजू चाहिए। ये मैंने यहाँ पे थोड़े से अनियन को डीप फ्राई किया है। मसालों में हमें चाहिए हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट एंड मैगी मसाला। मैं गरम मसाला यूज़ नहीं करती हूँ, तो अगर आप गरम मसाला यूज़ करते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं, मैं उसकी जगह मैगी मसाला यूज़ कर रही हूँ। और हमें थोड़ा सा देसी घी चाहिए, हमें चाहिए ये देसी घी। अभी हमने पहला स्टेप ये लेना है कि हमें इस राइस को बॉइलिंग वाटर में बॉयल करना है, 70% कुक करना है। तो चलिए, मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया है। ये देखिए, यहाँ पे वाटर मेरा बॉयल हो चुका है। अब इसमें हम राइस ऐड करेंगे। इससे पहले हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे, लाइक जावित्री, छोटी इलायची, दालचीनी, बड़ी इलायची, तेजपत्ता, काली मिर्च, थोड़ा सॉल्ट, देसी घी। मैंने इसमें देसी घी ऐड कर दिया, सब कुछ ऐड कर दिया। अब इसमें हम राइस ऐड करेंगे। तो राइस को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब राइस को हम 70-80% कुक करेंगे बॉयल करके। तो चलिए, साइड में हम अपनी सब्जियों को भी पकाते हैं। तो हम लेते हैं पैन, मैं कुकर में बनाऊँगी, तो चलिए इसे गर्म करते हैं। फिर इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। अब इस ऑयल को गर्म करेंगे थोड़ा, फिर हम ऐड करेंगे गरम मसाले। तो फ्रेंड्स, हम इसमें ऐड करते हैं हमारे गरम मसाले, जो कि था हमारे पास जीरा, लाल मिर्च, काली मिर्च, तेजपत्ता, बड़ी इलायची। इसे हल्का सा भुनेंगे, फिर ऐड करेंगे अनियन। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे चॉप्ड अनियन, इसे अच्छे से 1 मिनट के लिए भुनेंगे। इसे हमें तब तक भुनना है जब तक कि ये प्याज थोड़ा सा पिंकिश ना हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम ऐड, देखिए अनियन बिल्कुल पिंकिश हो चुका है, तो इसमें ऐड करेंगे ये जिंजर गार्लिक एंड चिली पेस्ट। फिर इसे हम मिक्स करेंगे। इसे मैंने मिक्स कर दिया है। अब जैसे ही गार्लिक का कच्चा अपन का जो स्मेल आता है वो चला जाएगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे सारे वेजिटेबल्स और हम उन्हें अच्छे से मसालों के साथ में भुनेंगे। फ्रेंड्स, ये राइस भी हो रहा है, अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो वेट करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करते हैं वेजिटेबल्स। ये चॉप बीन्स मैंने ऐड किया, चॉप काजू, आपके पास जो भी वेजिटेबल हो आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अभी जो थी मैं उनके साथ ये बिरयानी बना रही हूँ। तो चलिए, और भी वेजिटेबल्स ऐड करते हैं। सो ऐड, मैंने आलू ऐड किया, गोभी राइट, पनीर राइट, मटर, यहाँ पे ऐड करेंगे हम सोयाबीन। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, अब इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, हल्दी, लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, धनिया पाउडर 2 स्पून डाल रही हूँ मैं। अब इसे मिक्स करेंगे और पकाएंगे 5 मिनट के लिए, जब तक कि सारी वेजिटेबल्स हल्की सी पक ना जाए। फ्रेंड्स, मैं हींग डालना भूल गई हूँ, तो हींग मैं अभी यूज़ करूँगी। उससे पहले मैं ये मैगी मसाला डाल रही हूँ 1/2 पैकेट, और इसे मिक्स करूँगी, फिर इसमें ऐड करती हूँ हींग। फ्रेंड्स, हमारा राइस भी हो चुका था, मैंने इसे स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लिया है, और जिसमें खड़े मसाले ऐड किए थे वो मैंने निकाल लिया है। तो ये 80% कुक हो चुका है, और बाकी कुक हम करेंगे अपने वेजिटेबल्स के साथ में। तो चलिए, अभी तो वेजिटेबल्स हमारी पक रही है।
फ्रेंड्स, यहाँ पे वेजिटेबल कुक हो चुकी है, तो चलिए इसमें हम ऐड करते हैं राइस। फ्रेंड्स, हमें राइस को मिक्स नहीं करना है, सिर्फ लेयर देनी है। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे जो हमने फ्राइड अनियन रखा था। यहाँ पे मैंने जो फ्राइड अनियन किया था वो डाल दिया है, काजू किशमिश डाल दिया है। अब मैं डालूँगी ये धनिया की पत्ती। आपके पास मिंट हो तो आप मिंट भी यूज़ कर सकते हैं, फूड कलर यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास फूड कलर नहीं है तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ, मिंट भी नहीं था तो मैं धनिया की पत्ती से बना रही हूँ। और अब इससे उसमें डालेंगे 2 स्पून ऑफ देसी घी। मैंने इसमें देसी घी ऐड कर दिया है। अब मैं इसे मिक्स नहीं करूँगी, मैं इसे सिर्फ कुकर का ढक्कन ऊपर से बंद करूँगी और इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो चलिए पकाते हैं इसे 10 मिनट और फिर इसे मिक्स करेंगे एंड खाएंगे। फ्रेंड्स, ये बिरयानी बनके बिल्कुल रेडी है। चलिए इसे मिक्स करते हैं और आपको सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये वेजिटेबल बिरयानी इन्जॉय करिए। और अगर आपको ये वेजिटेबल बिरयानी पसंद आए तो प्लीज़ चटोई टीनू को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड प्लीज़ आप इसमें पुदीने का पत्ता ज़रूर यूज़ करें, अगर आपके पास अवेलेबल हो फूड कलर तो वो भी यूज़ करें। तो चलिए आप इसे इन्जॉय करिए एंड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए चटोई टीनू को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।